कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 का आज का लेक्चर है एक्सरसाइज। हम चैप्टर नंबर 10 जो है ये कंप्लीट पढ़ चुके थे और इसके साथ बेटा आज के लिए जो है वो एक्सरसाइज हम इसकी देखते हैं। एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस देखें तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। एमसीक्यू बेटा के पास बोर्ड में भी जो एग्जाम होता है पेपर होता है उसमें गिवन होते हैं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास टेक्स्ट बुक गिवन है, यहाँ से जो है मैं बता देता हूँ, अगर कोई फिर कंफ्यूजन होते तो वो बच्चे उसको भी पूछ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, स्पिनिंग अर्थ और एक्सिस एंड द बाउंसिंग बॉल ऑन फ्लोर। तो इसमें फर्स्ट वाला है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वही आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इफ़ द मैस ऑफ द बॉल ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज विल बी। कहता है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसका आप टाइम पीरियड जो है वो कितना इंक्रीज करेगा अगर मैस आप इंक्रीज करते हैं। फैक्टर पेंडुलम इज इंक्रीज, मैस मेटालिक बॉल का आप कितना इंक्रीज कर देते हैं, 3 times इंक्रीज कर देते हैं। कहते हैं जो मैस है इस मैस को आप 3 times इंक्रीज, यानी कि अगर 5 grams है तो उसको आप 15 grams करते हैं, 1 gram है तो 3 grams करते हैं, 10 grams है तो 30 grams करते हैं। 3 times मैस को अगर इंक्रीज करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें बेटा फार्मूला टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी होता है। अगर बेटा यहाँ के पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम होती है जी, आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि हाइट के साथ ही आपके पास एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, और पाई आपके पास कांस्टेंट होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, टाइम पीरियड के ऊपर मैस कोई इफेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारे इस फार्मूला में कहीं भी मैस गिवन है नहीं है। सेकंड के लिखेंगे रिमेन्स द सेम, कोई भी आपके पास अगर टाइम पीरियड के ऊपर मैस इंक्रीज करें मेटालिक बॉल का या डिक्रीज करें कोई इफेक्ट नहीं होता। विच ऑफ थर्ड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हेलिकल स्प्रिंग आपके पास होता है जो कि इसको आप अप डाउन भी मूव करा सकते हैं और इससे आप कंप्रेशन रियरफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन भी होती है। एग्जांपल की मानते हैं हेलिकल स्प्रिंग जो है, हेलिकल स्प्रिंग आपके पास है ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए आप क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों प्रोड्यूस की जाती हैं। ताकि इसके बाद फोर्थ देखें, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन। तो इसके लिए आर होती है, कंडक्शन से भी होती है, कन्वेक्शन से भी होती है एंड वेव मोशन या रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर होती है। तो ऑल ऑफ दीज थर्ड पॉइंट्स है। Which of the following is a method of energy transfer? All of these six वाला देखें, in a vacuum all electromagnetic waves have the same. Vacuum में आपके पास speed, frequency, amplitude या wavelength. तो speed जो होती है vacuum में all waves की same होती है speed. सेवन देखें, a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 hertz produce 25 complete waves in a डिस्टेंस ऑफ 50 centimeters वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। तो वी आपने फाइंड करना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ भी गिवन है और वी आपने फाइंड करना है, लैम्डा भी आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं लैम्डा इसके लिए फाइंड कर लेंगे, तो ये टोटल आपके पास 60 centimeters इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व सेवन एट और बेटा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेव लेंथ। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहाँ आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपके पास रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और स्पीड का, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यहाँ एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट देखें, द लार्ज रिपल टैंक, नाइन्थ वाला बेटा देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, तो इसके लिए आपके पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा या लैम्डा, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी।
तो बी वाला ऑप्शन आपके पास है 9 का करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा देखिए रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए पेज नंबर 5 है आपकी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 5 के ऊपर डेफिनेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की गिवन है एंड करैक्टरिस्टिक्स या नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी गिवन है। इसके बाद 10.2 देखें, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ से आप मोशन की जो एग्जांपल्स की एवरीडे लाइफ से आप बताएंगे कौन से 10.2 इसका आंसर में लगेगा, नहीं ये आपके सामने 10.2 रिव्यू क्वेश्चन। इसके लिए बेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो आपकी वेबसाइट या बच्चों का हर एक का पोर्टल है, उसके लिए जो भी लेक्चर होगा उस लेक्चर के साथ ये अपलोड कर दिए जाएंगे, डाउनलोड में होंगे, पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में अटैच होंगे, वहाँ से तमाम बच्चे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो है ना ये इस तरह का फॉर्मेट होगा, ये जहाँ आपके पास गिवन है ये आपके पास बेटा फॉर्मेट इस तरह का होगा। ये तमाम बच्चे जो है वैसे न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, या आपके पास कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे एक्सरसाइज जितनी भी शॉर्ट एक्सरसाइज है वहाँ से बच्चे प्रिंट करवा, फिर बाद वहीं से आप देख के राइट भी कर सकते हैं, कोई बच्चे प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही जो है ना वो इसको अपने पास रख सकते हैं, बाकी इसको नोट करना है अपनी नीट कॉपी के ऊपर। एक्सरसाइज तमाम बच्चे ये नोट कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज है वो तमाम बच्चे अपने नीट कॉपी के ऊपर टॉपिक के साथ एंड एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर रही है जो भी, लेकिन इसमें ये रिव्यू क्वेश्चन तो आपने दोबारा से नहीं लिखे क्योंकि वो टॉपिक लिख चुके हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूंगा वो वाला क्वेश्चन आपने अगेन लिखने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखने हैं और न्यूमेरिकल्स नोट करने हैं। तो 10.2 यहाँ पे आपके पास 10.2 रिव्यू क्वेश्चन है कि थिंक सेवरल एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ ऑफ द मोशन दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसमें सबसे पहले आपके पास है पेंडुलम यूज इन अ क्लॉक, क्लॉक में जो पेंडुलम यूज किया जाता है सेकंड ले सकते हैं कि अवॉय स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, स्विंग के ऊपर बच्चे स्विंग कर रहे हैं टू एंड फ्रो, ये भी आपके पास एक हार्मोनिक मोशन होती है अवॉय स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। एंड थर्ड बटन ले सकते हैं सीसा, दो बच्चे जो है ना वो एक साइड पे जो है ना यहाँ से बिना से ऊपर करके इंक्लाइन करके क्या करते हैं, दो बच्चे एक साइड पे बच्चे दूसरी साइड पे करते हैं अप डाउन मूव करते हैं सीसा आपके पास छोड़ो, तो इसे क्या कह सकते हैं कि ये भी एक एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के व्हेन इट मूव्स अप एंड डाउन, सीसा आपके पास क्या होता है अप एंड डाउन जब मूव करते हैं ये ऐसे मौजूद है बेटा, तो यहाँ से एक यहाँ मौजूद होता है साइड में यहाँ भी यहाँ से करता है मूव कर होता है। फोर्थ है कि ह्यूमन ईयर का ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ, ह्यूमन ईयर जो है ये भी बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ह्यूमन ईयर तो ये चार एग्जांपल आपके पास है जो कि आपको नीट कॉपी पर इसको भी नोट करना है। तो ये 10.2 के बाद बेटा देखें शॉर्ट क्वेश्चन 10.3 देखें, 10.3 है कि व्हाट आर द डैम ऑसिलेशंस, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। तो पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 के ऊपर ये डैम्प ऑसिलेशंस हैं और साथ इसके जो है एग्जांपल जो कि आप पहले नीट कॉपी के ऊपर लिख चुके हैं एग्जांपल भी है और डेफिनेशन भी लिखनी है शॉर्ट ऑब्जर्वर वाली। 10.4 बेटा देखें, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव लेवल द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये अक्सर आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके पेज नंबर 8 के ऊपर वेव की डेफिनेशन भी मौजूद है और वेव की टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप्स हैं एंड मैकेनिकल वेव होती हैं, ये दोनों टाइप्स के आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन एग्जांपल मौजूद हैं और यहाँ टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, वहीं से आप याद कर रहे हैं। 10.5 देखिए बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ये भी पेज नंबर 9-10 के ऊपर मौजूद हैं। ड्रा अ ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10.6 देखिए, 10.6
सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ और ट्रांसफर वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर जी सॉरी बजे तो देखें नेक्स्ट इसी के साथ है कि 10.6 के हम बात करें रा और ट्रांसफर वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर लेबल अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। तो आपने बच्चे क्या करना है कि एक डायग्राम बनानी है वेव बनानी है ये एक कंप्लीट वेव आपको यहां आने जा रही है तो यहां से लेकर यहां तक ये एक कंप्लीट वेव है एक पॉइंट से यहां नेक्स्ट पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है वन वेव है या एक क्रस्ट से सेकंड क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको भी आप वन लैम्डा या वन वेवलेंथ कह सकते हैं। तो यहां हम देखें तो वन वेव जो है ये वन वेव है यहां से लेकर यहां तक इसका जो दरमियानी डिस्टेंस है ये आपके पास लैम्डा कहता है कि वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए लेकिन आपने स्केल से पहले 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो लाइन लगानी है फिर उसके ऊपर आपने एक कंप्लीट वेव ड्रा करनी है तो 4 सेंटीमीटर वेव लेंथ की एक वेव ड्रा हो जाती है या एक क्रस से दूसरे क्रस तक या एक ट्रफ से सेकेंडरी ट्रफ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके यहाँ सेंटर से लेकर ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसके दरमियानी जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो ये भी स्केल से आपने लाइन पर लगा देनी है सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है स्केल देना है स्केल से आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है और फिर हाइट के ऊपर आपने 2 सेंटीमीटर की तो उसके दरमियान में आपने क्या करना है वेव ड्रा कर देनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर वेव लेंथ की एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है एक्स जिसको कहते हैं ये आपके पास एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और जो वेव लेंथ है ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास एक वेव ड्रा हो जाती है इसमें साथ में बताया क्रस्ट और ट्रफ भी मेंशन करें तो ये जो बेटा हाईएस्ट पॉइंट होते हैं इनको आप क्रस्ट ऑफ वेव कहते हैं और ये जो आपके पास लोअर होते हैं इनको आप ट्रफ ऑफ वेव कहते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। इसके बाद 10.6 के बाद 10.7 बेटा रिव्यू क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये आपको टॉपिक में करवा दिया गया पेज नंबर 11 के ऊपर ये कंप्लीट मौजूद है और ये टॉपिक पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। 10.8 देखें वेव्स आर द मींस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो ये पेज नंबर 7 के ऊपर एक्टिविटी वेव की डेफिनेशन है वेव के पास 2 एक्टिविटीज हैं एक आपके पास पॉन्ड में आप कोई भी स्टोन है उसको ड्रॉप करते हैं वेव्स प्रोड्यूस करते हैं या स्ट्रेन के जरिए तो ये एक कंप्लीट एक्टिविटी आपने जो है ना ये लिखनी है और इसमें आपने बताना है कि बकायदा जो है ना वो एनर्जी ट्रांसफर होती है या इसके लिए आप जो है ना वो ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर है तो इसके लिए बुक के पेज एक्टिविटी नंबर 10.3 देखें पेज नंबर 11 है पेज नंबर 11 के ऊपर एक्टिविटी 10.3 है ये आपने कंप्लीट लिखनी है। इसके बाद बेटा देखें 10.9 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव विद रेफरेंस ऑफ रिपल टाइम ये बहुत ही तफसील से आपको मैंने बता दिया गया है पेज नंबर 13 एंड 4 के ऊपर ये मौजूद है यहाँ से आपने लिखना है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन। 10.10 है इट डज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ इफ नॉट हाउ आर दीज पॉइंट्स रिलेटेड।
फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान में ये मैथमेटिकल रिलेशन होता है। यहाँ से बेटा अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन बताना है तो वी डिवाइड बाय एफ या वी डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एफ या एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लैम्डा। यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में हम अगर रिलेशन देखें स्पीड इसके अगर कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन और इक्वल और प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू जो है इक्वल हो गया आपके पास एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके लिए आपने क्या लिखना है ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। ये भी नोट्स में बता दिया गिवन है कि नो बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ डिक्रीज एज गिवन द फॉलोइंग रिलेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा v डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू f f इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल के रेंज करके लिख दिया और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होगी बल्कि वेवलेंथ डिक्रीज होती है क्योंकि दोनों के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन मौजूद है। और इसके साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा देखें conceptual question number 10.1 if the length of simple pendulum is doubled what will be change in its time period kada agar wavelength ko hum increase kar de to time period pe kya effect padega to time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi under root l divided by g होता है। If the length of simple pendulum is double, यानी कि अगर फर्ज करें कि जो l है is equal to 2l का, यानी कि l prime next इसकी जो length है वो आप double कर दें, l is equal to 2l कर दें, तो time period क्या होगा? T prime is equal to 2 pi under root एल की जगह आप क्या पुट करेंगे 2l डिवाइड बाय g और 2 पाई कॉन्स्टेंट आपको पास में है लेंथ अगर हम इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल यानी कि आपके पास l है तो इसको आप क्या करते हैं 2l कर देते हैं तो t प्राइम क्या होगा t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई l प्राइम डिवाइड बाय g तो l प्राइम की जगह फिर आप लेफ्ट हमने यहां वैल्यू पुट कर दी है 2l हो जाएगा 2l डिवाइड बाय g यहां से आपके पास 2 अंडर रूट है 2 अंडर रूट को अगर बाहर लिखें ये बनेगा t प्राइम इज इक्वल टू ये बनेगा 2 अंडर रूट ये 2 अंडर रूट आपने बाहर लिख दिया बाकी वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाय यहां से आपने 2l बाहर लिखा बल्कि सिर्फ अंडर रूट में से यहां पे 2 को बाहर लिख दिया है तो फिर आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है t प्राइम इज इक्वल टू अगर हम फ्रॉम इसको 1 कह दें अगर आप बेटा यहां से 1 देखें तो t इज इक्वल टू पाई l डिवाइड बाय g है ये वैल्यू बन रही है तो इसकी जगह हम t लिख सकते हैं तो t प्राइम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट यानी कि जो आपके पास अगर लेंथ को जब डबल करेंगे तो जो न्यू टाइम पीरियड आएगा वो 2 की पावर 2 अंडर रूट टाइम इंक्रीज होगा यानी कि इंक्रीज होगा तो t प्राइम इज इक्वल टू अगर 2 का अंडर रूट आप ले लें बेटा तो ये आपके पास आंसर इसका तकरीबन आता है 1.41 तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि बाय increasing the length of simple pendulum by double the length of simple pendulum the time period of pendulum will be 1.41 times the original से 1.41 times increase हो जाता है ये आपके पास क्या है
10.1 सिंपल आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलो। 10.2 देखें, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keep bouncing is the motion of ball simple harmonic motion। कहता है कि अगर आप एक बॉल को एक हाइट से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वापस आकर के वो यहाँ से ये हाइट है ये फ्लोर है यहाँ से आप क्या करते हैं इसको रिलीज करते हैं ये स्ट्राइक करती है और ये फिर ऊपर वापस की तरफ आती है। कहता है क्या इसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? नहीं, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। नो इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल व्हेन इट फ्लो इट हिट द फ्लोर देन देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी तरफ वापसी करे रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद नहीं होती तो इसलिए आप क्या कहते हैं सो इट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी बॉल को सर्टेन हाइट से रिलीज करें और वो स्ट्राइक करती है जाकर के फ्लोर से और फिर बैक बाउंस होती है तो आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते। 10.3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, अ स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मिंग टू एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडुलम ही शी यूज्ड टू बॉब्स ऑफ द डिफरेंट बेसिस बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट एज द कांस्टेंट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट विल नॉट चेंज व्हाई। कहते हैं दो बच्चे सिंपली बेटा इसकी स्टेज में बताने का मतलब क्या है कि दो आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास कहता है कि बाकी सिर्फ मैथ्स चेंज है। मैथ्स आपके पास फर्ज करें कि एक बच्चे जो है वो जो मेटालिक बॉल है इसके लिए मैथ्स को यूज कर रहे हैं। फर्ज करें हम ये कह सकते हैं कि 5 ग्राम की बॉल यूज कर रहे हैं एंड सेकेंड स्टूडेंट इसके लिए क्या कर रहे हैं 10 ग्राम की बॉल यूज कर रहे हैं। तो कहता है कि बाकी तमाम पैरामीटर सेम हैं तो इनके एक्सपेरिमेंट से जो टाइम पीरियड उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा दोनों के टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दोनों के टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टाइम काउंट किया जाता है। बेसिकली क्या होता है यहाँ से आप करके एक्सट्रीम पोजिशन से रिलीज करते हैं साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन को आप काउंट करते हैं और टाइम को काउंट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल फार्मूला की भी तो फार्मूला आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाय g होता है। तो इस फार्मूला में कहीं भी मैथ्स गिवन नहीं है। इवन कि आप इसके लिए वैसे अभी इसके लिए हम एक इसी लेक्चर में एमसीक्यू देख रहे थे एमसीक्यू में किसी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन था कि अगर मैथ्स आपके पास कम या ज्यादा हो तो उसके लिए टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास ये फार्मूला है यहाँ आपके पास कहीं भी मैथ्स गिवन नहीं है। अगर इस फार्मूला में मैथ्स गिवन होता तो उसके लिए आप क्या कह सकते थे कि टाइम पीरियड चेंज होगा। हाँ यहाँ पे लेंथ अगर आप चेंज कर दें इन दोनों की लेंथ को चेंज कर दें तो फिर उनका टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा अदरवाइज उनका जो दोनों स्टूडेंट्स का टाइम पीरियड है वो सेम होगा। इसके बाद 10.4 बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो हम दो ही टाइप्स की पढ़ी थी, एक मैकेनिकल वेव्स थी एंड सेकेंडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। तो मैकेनिकल वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपोगेशन के लिए मटीरियल रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आपने क्या कहना है कि मैकेनिकल वेव्स लाइक साउंड वेव्स वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग और स्प्रिंग तो इसके लिए आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो मैकेनिकल जो होती हैं इनके लिए आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। एंड सेकंड बेटा इसके बाद 10.5 देखें, प्लेन वेव्स इन अ रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। रिफ्रैक्शन जब डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव्स। स्पीड ऑफ वेव के ऊपर क्या है, इन केस ऑफ वेव इन द रिपल टैंक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेस।
डीप टू शैलो वाटर को करें, फर्ज करें ये आपके पास है, ये जब डाकू बेटा आज का रिफ्लेक्शन ऑफ पे में ये आपके पास फर्ज करें ये आपके पास वाटर है यहाँ से, ये आपके पास वाटर है, ये वाटर है यहाँ पे और ये वाटर सरफेस है। यहाँ अगर हम देखें तो ये वाटर वेव्स आपके पास क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वेव लेंथ आपके पास ज्यादा होगी, और यहाँ अगर आप देखें तो वेव लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है क्योंकि जितनी आपके पास है डेप्थ, ये आपके पास डीप वाटर है एंड ये आपके पास है शैलो वाटर, तो शैलो वाटर में वेव लेंथ भी कम होती है और डीप वाटर में वेव लेंथ ज्यादा होती है, वेव लेंथ ज्यादा होती है तो स्पीड आपके पास मैक्सिमम होती है क्योंकि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव लेंथ ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा, क्योंकि स्पीड और फ्रीक्वेंसी आपके पास एंड वेवलेंथ जो होती है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम है तो स्पीड भी ग्रेटर होगी डीप वाटर में, और शैलो वाटर में आपके पास स्पीड कम होगी क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ भी कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पास वाटर डीप वाटर से शैलो वाटर में क्या करता है इंटर होता है तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज करने की वजह से इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। ये नोट्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप के ऊपर कॉपी के ऊपर आपने क्या करना है इसको तमाम ये नोट्स बेशक आपके पास मौजूद हो लेकिन आपने इसे सारे मैंने अपनी नीट कॉपी के ऊपर ये नोट करने हैं। थैंक यू।